बालों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए आप कई तरह के हेयर ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। इसके लिए आप पैसा और समय दोनों ही खर्च करती हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिल पाते हैं जिनसे संतुष्ट हो सके। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल घरेलू है और जिससे आप अपने बालों की मजबूती, खूबसूरती और अपने सफेद बालों को हमेशा के लिए काला बना सकती हैं, जिसको अपनाकर आप बालों को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना सकेंगी। साथ ही बिना केमिकल बेस्ड हेयर कलर के सफेद बालों को नेचुरल कलर भी दे सकेंगी। तो इसके लिए बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बनाना। इसके लिए आपको यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई या लोहे का कोई भी बर्तन लेना है। इसमें ऐड करना है आपको आधा ग्लास पानी। अगर आपके बालों की लंबाई ज्यादा है तो आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकती हैं। लोहे के बर्तन के अलावा आप कोई भी बर्तन यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर लोहे का बर्तन यूज करेंगी तो आयरन के भी गुण आपको मिलेंगे। इसके साथ आपको यहाँ पे ऐड करना है 1 चम्मच चाय पत्ती। जो भी चाय पत्ती आप घर में इस्तेमाल करती हैं वही चाय पत्ती आपको 1 चम्मच इसमें लेनी है और इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबालना है, यानी कि बॉयल करना है। चाय पत्ती में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे बालों को मजबूत करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, साथ ही आपके बालों का झड़ना टूटना भी बंद करते हैं। बालों की ग्रोथ के लिए चाय पत्ती का पानी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे अच्छे से बॉयल करने के साथ साथ आप देखेंगे कि आयरन के जो गुण हैं और चाय पत्ती का जो अर्क है वो हमें इस पानी में बखूबी मिलेगा और पानी का कलर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया है। तो 5 से 7 मिनट अच्छे से बॉयल करने के बाद आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और इसे कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ना है। थोड़ा सा गुनगुना रहे तभी आपको इसे छान लेना है और एक अनदर बोल में निकाल लेना है। तो चाय पत्ती के पानी को स्ट्रेन करके निकाल लिया है। अब आपको यहाँ पे लेना है एक अनदर बोल। पानी आपका बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एक मीडियम उसमें आपका पानी हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। पैक बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक कांच का बोल लेना है और इसमें ऐड करना है आपको 1 चम्मच भृंगराज पाउडर। भृंगराज को आयुर्वेद में सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है क्योंकि ये बालों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। चाहे आपके बाल सफेद हो रहे हों, बाल झड़ रहे हों, बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो, बहुत पतले हो या आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हो, सभी चीजों के लिए भृंगराज बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो 1 चम्मच आपको यहाँ पे भृंगराज पाउडर लेना है। 1 चम्मच भृंगराज पाउडर ऐड करने के बाद आपको इसमें 1 चम्मच कॉफी पाउडर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 1 सैशे नेस्कैफे लिया है। आप कोई भी अनदर ब्रांड की कॉफी यूज कर सकती हैं। बालों को एक बढ़िया सा ब्राइट कलर भी देती है, डार्क कलर भी देती है और बालों में कलर के स्टेन को छोड़ती भी नहीं है। ये आपके बालों में जो भी कलर हम अप्लाई करते हैं उसमें अगर आप कॉफी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके बालों के कलर को और ज्यादा पक्का कर देती है। तो 1 चम्मच आपको यहाँ पे कॉफी लेना है और इसके बाद जो हमने यहाँ पे चाय पत्ती का पानी तैयार कर रखा है इस पानी को आपको इसमें ऐड करना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है और इसे मिक्स करना है। पैक बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए। और ना ही बहुत ज्यादा गीला होना चाहिए। तो अभी आपको पैक जो है बहुत ज्यादा लिक्विड नजर आ रहा होगा, बहुत गीला नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको इसे तुरंत अप्लाई नहीं करना है। आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है। जब 15 से 20 मिनट आप इसे छोड़ेंगे तो ये पैक अपने आप सेट हो जाएगा, यानी कि थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी, तब आपको इसे अप्लाई करना है। लेकिन इसे अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज और करनी है। सबसे पहले आपको चाय पत्ती के पानी से अपने बालों को स्प्रे करना है।
इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए और अपने बालों को, स्कैल्प को इस पानी से आपको गीला करना है। चाय की पत्ती आपके बालों की चमक को बढ़ाने में मदद करती है। इसके इस्तेमाल से बाल रेशमी और मुलायम भी होते हैं। चाय के पत्ती के पानी से बाल धोने से बालों का झड़ना और टूटना भी कम होता है। चाय के पानी से बाल धोने से पत्ती में मौजूद पॉलीफेनॉल तत्व स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। अगर आपके स्कैल्प से पपड़ी निकल रही है तो चाय की पत्ती के पानी से सिर धोने से ये प्रॉब्लम दूर होती है। बालों में रूसी यानी डैंड्रफ की परेशानी है तो उसको कम करने में भी चाय की पत्ती का पानी बहुत हेल्प करता है। बालों की ग्रोथ और मजबूती को बढ़ाने का काम भी चाय की पत्ती का पानी बखूबी करता है। इसके अलावा बालों की सफेदी को कम करके इनको नेचुरल कलर देने में भी चाय की पत्ती बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। इतने ज़्यादा फायदे हैं चाय की पत्ती के, जो कि आप अपने बालों में नेचुरली इसे घर में ही इस्तेमाल करके पा सकती हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में अवेलेबल होती है। तो आपको सबसे पहले इससे अपने बालों को गीला करना है, स्प्रे करना है। जब जो स्प्रे आपने किया हुआ है वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, तब आपको इस पैक को, जो कि हमने इसी चाय पत्ती के पानी से रेडी किया है, इसे अप्लाई करना है। और अभी आप देख सकते हैं पैक यहाँ पे थिक हो गया है। तो अभी ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, बहुत थिक नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज है। आपको इसे अपने बालों में लगा के 2 घंटों के लिए छोड़ना है। इसके बाद नॉर्मल पानी से हेयर वॉश कर लेना है। इवनिंग में ऑयलिंग ज़रूर करनी है और नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू करना है। हफ्ते में 2 बार इसे इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही अमेजिंग फायदे होंगे इस चाय के पत्ती का पानी इस्तेमाल करने से। आपके बाल मजबूत भी होंगे, रेशमी होंगे, मुलायम होंगे, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, बालों का झड़ना टूटना कम हो जाएगा और आपके सफ़ेद बाल हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। आशा करती हूँ आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके। चैनल में न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।